हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, अगर आपके पास स्मार्ट टैंक 516 मॉडल का एचपी का जो स्मार्ट टैंक 516 मॉडल आता है वो प्रिंटर अगर आपके पास है तो आपको कैसे इसका हेड को टाइम टू टाइम क्लीन करना है ताकि आपका प्रिंट अच्छा आ सके, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम गूगल पे चले जाते हैं, यहाँ पे जो मैंने लिखा वो उसको लिखना है और उसके बाद ये वाला वेबसाइट पे आ जाना है। और यहाँ पर जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं जो स्क्रीन को आप फॉलो कीजिए, और यहाँ पर मुझे यहाँ से इसका जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेना है सबसे पहले अपने विंडोज़ में। मतलब आपका विंडोज़ 10 हो या फिर XP हो, विंडोज़ 10 हो या फिर 7 हो, कोई भी हो, आप उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आप सबसे पहले जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस जो रहता है उसको आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, चेक योर प्रिंटर और चेक योर कंप्यूटर दोनों के बारे में दिया हुआ है कि आप ये कंफर्म कर लीजिए कि प्रिंटर आपका ऑन है और कंप्यूटर ऑन है, सारा चीज़ है। उसके बाद आपको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे, जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है आप पढ़ लेंगे अच्छे से अगर आपके पास टाइम है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जैसे ही आपका थोड़ा सा वेट कर लेंगे यहाँ पे HP स्मार्ट का जो है वो सारा चीज़ एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करके इंस्टॉल कर लेना है अच्छे तरीके से। उसके बाद हम इस वीडियो में आपको, मतलब अगर आपका हेड में प्रिंट में लाइनिंग आ रहा है या फिर किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है प्रिंटिंग के टाइम पे, तो वो सारा चीज़ आपका जो है वो ठीक हो जाएगा इस वीडियो के बाद। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्क्रीन को आप फॉलो कीजिए, जिस तरह से हम कर रहे हैं उस तरह से आपको करना है। यहाँ पे जो रिकमेंडेड सेटिंग है, जो स्टार्टिंग में रिकमेंडेड है, वो वाला रिकमेंड पे रहने देना है और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम मुझे आप देख सकते हैं साइड में नोटिफिकेशन आ गया है लॉन्च करने का, तो मतलब जो है वो इसका जो सॉफ्टवेयर जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल हो चुका है। जब एक्चुअली इसका नाम ड्राइवर है जो कि हम अभी इंस्टॉल कर रहे थे कंप्यूटर में, तो वो ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपके पास पहले से इंस्टॉल है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये ड्राइवर आपका इंस्टॉल किया हुआ हो, लेकिन आपको कैसे इसका इंक को क्लीन करना है ये आपको नहीं पता होगा। तो इसीलिए इस वीडियो में आपको हम बता देंगे कि कैसे आपको हेड को क्लीन करना है, अलाइनमेंट करना है, हेड को अलाइनमेंट करना है, सारा चीज़ आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। एक ही वीडियो है, बड़ा वीडियो है, 20-22 मिनट का वीडियो है, लेकिन सारा कुछ आपको इसमें बताया गया है, इसलिए आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आकर के थोड़ा सा इसके अंदर प्रेफरेंसेस वगैरह सब कुछ चेक कर लेंगे, क्योंकि अभी मैंने इंस्टॉल किया है, तो इसका प्रेफरेंसेस वगैरह सब चेक कर लेते हैं। A4 साइज़ को रख लेते हैं क्योंकि रेगुलर मेरा A4 साइज़ इसमें यूज़ होता है, तो A4 को प्रेफरेंस में रख लेते हैं प्रायोरिटी में। और यहाँ पर प्रिंटर जो है हमारा रेडी बता रहा है, मतलब कि प्रिंटर जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको आपको दिखाते हैं हेड वगैरह सारा कुछ क्लीन करने के बाद क्या पोजीशन आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी इसका डिटेल वगैरह है सारा कुछ यहाँ पे डिटेल शो हो जाता है। इसका IP एड्रेस वगैरह हो गया, वाईफाई का जो भी एड्रेस वगैरह हो गया, प्रिंटर का नाम, सारा चीज़ इसमें दिख जाएगा। इसका एस्टिमेट इंक का लेवल भी यहाँ पे साइड में आपको दिख जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चले जाते हैं एक करके नेटवर्क वाला जो ऑप्शन है इसमें भी आप जाएंगे तो इसके अंदर आपका नेटवर्क समरी सारा कुछ दिख जाएगा कि हाँ ये नेटवर्क का रिपोर्ट वगैरह सारा कुछ। अब यहाँ पे आप देखेंगे टूल्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे क्वालिटी चेक करने के लिए आ रहा है, तो ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसका रिपोर्ट पहले चेक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं चार ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है मुझे, और यही चारों ऑप्शन जो है वो काम का ऑप्शन है, तो आपको इसी को सबको बारी बारी से क्लीन कर लेना है। तो क्लीनिंग प्रोसेस जो है वो चालू है, और अभी मैं आपको प्रिंटर में लाइव दिखाता हूँ कि किस तरह क्लीनिंग होने के बाद आपको क्या दिखता है प्रिंट में, मतलब एक रिपोर्ट दिखेगा आपको। रफ पेपर लगा लेना, मैंने यहाँ पर रफ पेपर लगा लिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लीन होने के बाद एक रिपोर्ट निकला है, और यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि आपका जो ये ब्लैक इंक है उसमें एक लाइनिंग है और बाकी कलर वाले में भी 2-3 लाइनिंग दिख रहा है, तो समझिए कि प्रिंट क्वालिटी आपका जो है वो सही नहीं है। तो इसी चीज़ को आपको सुधारना है। यहाँ पर एक एक लाइन वगैरह सारा कुछ ड्रॉ करके दिखाया गया है ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ
कि आपका कौन सा कलर जो है वो हेड में प्रॉब्लम आ रहा है, कौन सा कलर में नहीं आ रहा है, सारा कुछ यहाँ पर डिटेल में आपको दिख जाता है। तो अभी इसी चीज़ को हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पर एक ये जो क्लीनिंग प्रोसेस है, स्टेज 1, 2, 3 तीन स्टेज में ये क्लीनिंग करता है। तो पहला स्टेज में अगर आपका क्लीन करने के बाद अगर क्लीन सही से हो जाता है, आपका सारा कलर जो है एक्यूरेट सही से आता है, सही से आ जाता है, तो समझिए कि आपका सब कुछ ओके है, आपको फिर आगे का प्रोसेस करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सही से नहीं होता है तो आपको फिर स्टेज 2 में जाना है, फिर स्टेज 3 में जाना है, इस तरह से क्लीनिंग करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल 2 क्लीनिंग चल रहा है, क्योंकि एक लेवल में क्लीन नहीं हो पाया सही से, तो एक लेवल 2 क्लीन कर रहे हैं इसको, और उसके बाद भी नहीं होगा तो फिर लेवल 3 भी करेंगे। तो अभी आपको कंप्लीट दिखाते हैं और स्क्रीन को फॉलो कीजिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा चीज़ कि इसके बाद हम प्रिंट अलाइनमेंट वाला भी करेंगे। तो अलाइनमेंट करने के बाद भी, अलाइनमेंट करने से क्या होता है कि आपका प्रिंट अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर हो जा रहा है प्रिंट में, कभी भी सही जगह पे प्रिंट नहीं हो रहा है, तो आपको अलाइनमेंट करने की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो अलाइनमेंट आपको करना है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन मुझे दिया हुआ था स्टार्टिंग में, आपको दिखा है कि 4 ऑप्शन जो दिया है क्लीन करने का, प्रिंट अलाइनमेंट करने का, तो सारा कुछ आपको कर लेना है वहाँ पर। तो यहाँ क्लीनिंग करने के बाद का स्टेज, अभी लेवल 2 क्लीनिंग चल रहा है, आपको लेवल 2 यहाँ पे देख सकते हैं, लेवल 2 क्लीनिंग, इस पर हमको क्लिक कर लेना है। उसी तरह फिर जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर लेवल 3 क्लीनिंग करेंगे, और पूरा क्लीन करने के बाद आपका प्रिंटर जो है वो अच्छा प्रिंट करने लगेगा, लाइनिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगा और सारा कुछ अच्छा से प्रिंट होने लगेगा। और अगर नहीं होता है तो आपको फिर थर्ड स्टेज वाला को क्लीन करना है, और उसके बाद फिर प्रिंट अलाइनमेंट वाले को भी ऑप्शन को क्लिक करना है। तो अभी आप स्क्रीन को फॉलो कीजिए और देखिए समझिए, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है कुछ तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई करेंगे और उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लीनिंग स्टेज 2 करने के बाद, लेवल 2 का क्लीनिंग करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंट में काफ़ी सुधार हुआ है, और यहाँ पर लाइनिंग भी अच्छा है, और नीचे में आप ब्लैक कलर में देख रहे एक लाइनिंग आ रहा था पहले, वो लाइनिंग अभी नहीं आ रहा है यहाँ पर, यानी कि ब्लैक इंक का जो हेड है वो सारा अच्छे से क्लियर हो गया, लेकिन कलर वाला जो है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम फिर से उसको क्लीन करेंगे, लेवल 3 वाला जो है स्टेज, लेवल 3 वाला को क्लीन करेंगे। तो यहाँ पर लेवल 3 क्लीन कर लिया मैंने, और लेवल 3 क्लीन करने के बाद यहाँ पे एक रिपोर्ट निकला है। अब इस रिपोर्ट को फिर से चेक करेंगे तो यहाँ पे ब्लैक कलर काफ़ी अच्छा से आ रहा है, और कलर वाला जो है यहाँ पे जो मार्क किया हुआ है, मार्किंग का मतलब है कि यहाँ पे एक लाइनिंग आया है हल्का सा, लेकिन इतना बहुत माइनर लाइनिंग है तो ये चल जाएगा। ब्लैक कलर काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और सिर्फ कलरफुल वाला में जो है, जैसे तीनों कलर जो है सियान, मैजेंटा, येलो, उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, तो उसके लिए एक दो बार और फिर से सेम प्रोसेस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आप देखिए यहाँ पर क्लीन हो चुका है, और ये इसके बाद 3 स्टेप के बाद आपको क्लीन करने का ऑप्शन नहीं देगा, तो आपको यहाँ से फिर क्लोज़ कर देना है और फिर से रिपीट करना है, अगर आपका प्रॉब्लम स्टिल बाकी है तो। और बाकी इसके बाद का प्रोसेस जो है वो दूसरा में जो ऑप्शन दिया हुआ है अलाइनमेंट वाला, अलाइन प्रिंट हेड का जो ऑप्शन है उसको हमको कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपका अलाइनमेंट हो जाएगा, हेड का जो अलाइनमेंट है वो सारा कुछ अच्छे से जगह पे हो जाएगा, तो इस तरह से कर लेंगे। You're loving me, it goes like
इसका भी रिपोर्ट देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका भी रिपोर्ट निकल गया है अलाइनमेंट करने के बाद। और इसके अंदर जो पैटर्न बना हुआ है उस पैटर्न में आपको देख के समझना है कि कोई भी ऊपर नीचे प्रिंट जो है वो ऊपर नीचे तो नहीं है, सब एक बॉक्स टाइप का बना हुआ है, तो समझिए कि आपका अलाइनमेंट किया हुआ है, सब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऊपर नीचे थोड़ा सा भी एक भी डॉट ऊपर नीचे आ रहा है तो समझिए कि आपका जो है वो अलाइनमेंट करने की ज़रूरत है, तो आपको अलाइनमेंट करना पड़ेगा प्रिंटर को। तो अलाइनमेंट करने के लिए वहाँ पे हम फिर से अलाइनमेंट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाइनमेंट फेल्ड हो चुका है, तो अभी फिर से हम इसको अलाइनमेंट करके आपको दिखाते हैं। अलाइनमेंट हो रहा है, यहाँ पे फिर से मैंने किया है, यहाँ पे डिस्प्ले पे भी आप देख सकते हैं अलाइनमेंट के लिए ए लिखा हुआ आएगा यहाँ पर और ब्लिंक करता रहेगा। आपको अभी प्रिंटर में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ रफ पेपर लगा देना है एक पीछे में, या फिर प्लेन पेपर लगा देंगे ताकि आपको पैटर्न अच्छे से समझ में आ जाए। और यहाँ पर प्रोसेस है, इस सारे प्रोसेस में लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है, तो आपको टाइम जब निकाल करके ही सारा कुछ कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी इसको करना ज़रूरी होता है ताकि आपका प्रिंटर जो है वो सही से काम करता रहे। अब एक लास्ट वाला ऑप्शन बचा है, अब उसको भी कर लेते हैं, लास्ट वाले ऑप्शन को भी क्लिक कर लेते हैं। ये वाला में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है और ये जो है अलाइन अब बहुत अच्छे से करता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो इसका भी रिपोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पहले से प्रिंट किया हुआ था, इसी में रफ मैंने मार दिया है प्रिंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो चुका है और मेरा प्रिंटर जो है वो सही से फिर से काम करने लगा है, सही से लाइनिंग वगैरह सब खत्म हो गया है। तो अगर आपका में भी अगर ये सब करने के बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो भी आप हमें कमेंट करके बताएं कि हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया है। और किसी तरह की दिक्कत होती है तो आप कमेंट एकदम बेझिझक कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई एकदम बहुत जल्दी देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के टेक्निकल वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। और स्क्रीन को फॉलो कीजिए और सारा इस मतलब कोई भी पार्ट को आप स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिए, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा फिर, क्योंकि ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं और आपको अच्छे से समझना ज़रूरी है। अगर कोई मिस्टेक करते हैं तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, तो फिर उसमें फिर आप बोलेंगे कि आपने सही से नहीं बताया या जो भी है, तो इसीलिए आपको सही से देखना है वीडियो को, पूरा वीडियो को देखना है अच्छे से बिना स्किप किए हुए और अच्छे से सीखते रहें। थैंक यू सो मच। You know we out here riding, chasing
thought I'd find it.